Like, share, comment my channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइम्स एचसी ऑफ एलसीएम के बारे में। प्राइम्स मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम पिक्चर्स। तो हमारे कंटेंट्स हैं यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे वो है सेट्स, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसी ऑफ एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चले चलते हैं हम अपनी पहली वीडियो पे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे सेट्स ऑफ नंबर्स, यानी नंबर को सेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेट शुरू हो रहा है वन से और सो ऑन है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर एन से डिनोट होता है। यहाँ पर होल नंबर का सेट है, होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट होता है। यहाँ पर इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि टू पर डिविजिबल होते हैं, तो ये ई से डिनोट किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर वो होते हैं जो कि टू पर डिविजिबल नहीं होते, तो यहाँ पर हम इसे ओ से डोनेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव में साइंस है, और सो ऑन है यानी दोनों तरफ से ये सो ऑन है, तो ये हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं। इंटीजर्स जेड से हम डोनेट करते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं। हाँ, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जो किसी पर डिविजिबल नहीं होते, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम्स नहीं होते। चले चलते हैं हम अपने फैक्टर्स की स्लाइड पे। फैक्टर्स दोज नंबर्स विच डिस्क्राइब्स अ पार्टिकुलर नंबर इसका आर कॉल्ड अ फैक्टर्स, यानी एक ऐसा नंबर, जैसे ऐसे नंबर्स, यानी जैसे ये 14 नंबर है, ये एक पार्टिकुलर नंबर है, और इसके जो फैक्टर्स हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। डिविजिबिलिटी रूल्स आगे हम आपको बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या होते हैं, और 1 से 10 तक डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास वो चीज़ होती है, जैसे आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, आपको पता लगाना है कि ये किस नंबर पे डिविजिबल है, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर हमारे पास लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो ये हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो इनमें से होगा, तो ये हमारे पास बन जाएंगे नंबर, हमारे पास बन जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी डिजिट का जो सम होगा, जैसे यहाँ पर डिजिट का सम 21 है, 21 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा जो नंबर है ना, ये पूरा नंबर ये 3 से डिविजिबल बाय है। तो 4 में हम आपको बताएंगे लास्ट 2 डिजिट शुड डिविजिबल बाय 4, यानी लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 हो, यानी 4 पर डिविजिबल हो, तो जो पूरा नंबर है वो 4 पर डिविजिबल होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास है, लास्ट डिजिट शुड बी 5 or 0, यानी जो लास्ट डिजिट है वो आपके पास या 5 होगा या 0 होगा, तो पूरा जो नंबर है वो 5 पर डिविजिबल होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो नंबर्स जो कि 2 और 3, पूरा नंबर 2 और 3 पे डिविजिबल बाय है, तो वो 6 पे भी डिविजिबल बाय है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल को हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर 385 है, तो फर्स्ट टू डिजिट जो है हमारे पास यहाँ पर 38 है और लास्ट डिजिट 5 है, तो 38 फर्स्ट टू डिजिट्स को अगर हम लास्ट डिजिट के स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर आंसर 28 है, तो अगर वो आंसर जो है डिविजिबल बाय 7 होगा, तो जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास, लास्ट 3 डिजिट शुड डिविजिबल बाय 8, यानी लास्ट 3 डिजिट जो है वो आपके पास 8 पे जाते हों, कि तो जो पूरा नंबर है वो 8 पे जाता होगा, यानी जैसे बहुत ही बड़ा नंबर है, हमने पता लगाना कि किस पे जाता है, तो हम लास्ट 3 डिजिट को सिर्फ देखेंगे, बाकी पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, और लास्ट 3 डिजिट को हम पता लगाएंगे कि अगर वो 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो बहुत बड़ा नंबर है वो भी 8 पर डिविजिबल होगा।
9 का डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ डिजिट शुड डिविजिबल बाय 9, यानी जो डिजिट का सम है, जैसे 3 में हमने किया था, डिजिट का सम जो होगा वो अगर 9 पे होगा, 9 पे डिविजिबल बाय होगा, तो ये पूरा नंबर है वो 9 पे डिविजिबल हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, अगर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, या इनमें से कुछ होगा तो वो जो पूरा नंबर है वो 10 पे डिविजिबल नहीं जाएगा, यानी सिर्फ अगर 0 होगा लास्ट डिजिट तो जो है वो पूरा नंबर वो 10 पे डिविजिबल होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, यानी नंबर को इस तरह लंबा करना कि उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट आ जाए, तो वो बन जाता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि इस तरह का आप टेबल बना लें, यहाँ पर आपका जो नंबर है, आपका गिवन नंबर है वो लिखें, और वो यहाँ पर वो नंबर लिखें कि जो डिविजिबल बाय जो प्राइम नंबर हो, और सबसे छोटा नंबर लिखे जो प्राइम नंबर हो, यानी सबसे छोटा नंबर जो कि 18 पे डिविजिबल बाय है लिखें, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो यहाँ लिखेंगे हम। इस तरह सो ऑन करते जाएंगे, जब हमारे पास एंड पे 1 रह जाएगा तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, और इसे इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, यानी ये वाली चीज़ हम इस तरह लिख देंगे बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल के, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, ये एक्सपोनेंट लगाया हमने। इस तरह के दो एग्जांपल हैं। और दूसरा मेथड जो है वो बहुत ही दिलचस्प मेथड है, वो मेथड है ट्री मेथड। ट्री मेथड ये देखें, आपको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ट्री सा बना हुआ है, ट्री की शाखें बनी हुई हैं, तो इस तरह ये ट्री मेथड कहलाता है। ये जो आपका पास गिवन नंबर है वो लिखते हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर लिखते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखते हैं जो उस पर डिविजिबल बाय है, जिस तरह यहाँ पर आंसर आ जाता है। एंड पे सॉन करते जाते हैं, तो एंड पे वो नंबर रह जाए जो कि प्राइम हो, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, और फिर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, और इस तरह हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? HCF of a given number is a particular number, we divide these number, यानी HCF given number, यानी जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसका HCF वो एक पार्टिकुलर नंबर होगा जो कि दूसरे नंबर जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं उनको डिवाइड करता होगा। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल जो है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दें, और देखें कि जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट है पूरी दोनों रो में, सबसे छोटा एक्सपोनेंट है वो हमने लेना है। देखें यहाँ पर सबसे छोटा एक्सपोनेंट है 2 का, सबसे छोटा एक्सपोनेंट आ रहा है 2 square, तो यहाँ पर 2 square लिख देंगे। यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर आ रहा है छोटा 70, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे, लेकिन जो 70 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह यहाँ पर आ रहा है 130, तो 130 नीचे लिखेंगे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये इनको जो हमारे पास बच जाएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा HCF होगा। दूसरा मेथड जो है वो 3 डिजिट्स के लिए है। ये मेथड बहुत ही आसान है, इसमें प्राइम फैक्टराइज वैसा टेबल बनाना है और इन तीनों को डाल देना है, क्योंकि इसमें हमने सबसे छोटा प्राइम फैक्टर देखना है जो कि इन तीनों में से किसी भी एक नंबर पे भी जाता हो, तो उसको हम यहाँ पर लिख के उसको सॉल्व कर देंगे, बाकी नंबर को ऐसे ही रहने देंगे। इस तरह सॉल्व करते जाएंगे, एंड पे अगर वो नंबर्स रह जाएं जो कि डिवाइड आगे ना होते हों, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो बस बच जाता है, यानी वो जो नंबर है उनको वहीं स्टॉप कर देना है, जो साइड वाले नंबर्स होंगे वो आपने लिख देने हैं, यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है उनको, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा HCF का। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का LCM वो एक छोटा नंबर होता है जो कि जो दिए हुए नंबर होते हैं उनका मल्टीपल होता है। तो इस तरह इसकी हम मेथड देखते हैं कि सॉल्व करने के मेथड क्या हैं।
मेथड हमारे पास, इसके भी दो मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास है कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करें और फिर यहाँ पर लिखें हम उसको एक्सपोनेंट प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसका एक्सपोनेंट लगाएं। इस पे तो एक्सपोनेंट कोई नहीं लग रहा, तो देखेंगे यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट ऊपर नहीं होता यानी उसके एक्सपोनेंट नहीं बनता, तो उसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 होता है। और जैसे यहाँ पर रो में 11 लिखा हुआ है और ऊपर जो होगा इसका 11 0 होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है ना वो हमने लगाना है। इन दोनों में हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, इनमें 3 है, इनमें 7 है और इनमें 11 है, क्योंकि ऊपर रो में 11 0 है। होगा तो नहीं, लेकिन हम कंसीडर करेंगे कि 11 0 है ऊपर और 11 1 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे और इस तरह हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। दूसरा मेथड भी बहुत आसान सा है। इस मेथड में आपने क्या करना है कि इस तरह का टेबल बनाना है और जिस तरह हमने एलसीएम के मेथड 2 में किया था उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि ये वाली वैल्यूज और जो नीचे रिमाइंडर बच जाती हैं वो वाली वैल्यूज दोनों को हमने इंक्लूड करना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। अगर आपको कुछ समझना आया हो तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर भेजें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको बहुत से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस